शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा, मैंने आपको हमेशा परेशान किया है, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। ये हुई ना बात। वैसे ये बदलाव आया कैसे तुम में? बताओ पापा। इसका क्रेडिट ना एक इंसान को जाता है। आना। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। पापा, मम्मा, ये अमित है, मेरे कॉलेज का टॉपर है। लगातार 3 साल से टॉप कर रहा है। और पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई अच्छी चल रही है अंकल। कॉलेज के टॉपर हो तो अच्छी होगी, थोड़ी सी अकल इस बुद्धू को भी ट्रांसफर कर दो। पापा, अब मैंने इसलिए तो अमित को घर पे बुलाया। अब मैं और अमित बैठ के पढ़ेंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई शुरू करें अंकल, हम लोग जाते हैं। आजा। अच्छा अमित, मैं तेरे से जो नई वाली बुक मंगाई थी तो लाया क्या? हाँ हाँ लाया, उसके बिना पढ़ाई कैसे होगी? निकालना फिर। ये ले। वो वाला फोल्डर। यार सजल, हम सब मेकअप करेंगे। यार सच बताओ ना, तो मेरा भी मन कर रहा है यार। वैसे एक बात बताऊं, मेरे पास एक नंबर है जो पैसे के बदले, समझ रहे ना? अबे तू ये नंबर लाया कहाँ से? अरे तुझे तो पता ही है मैं कितना बड़ा जुगाड़ हूँ। वो तो तू है। ला ला मुझे नंबर दे। नहीं ला, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसके साथ मुझे भी चांस है। भाई ये कौन सी पूछने वाली बात है यार। ठीक है फिर, तो तू पैसे का बंदोबस्त कर। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस उसके लिए मुझे सिर्फ पेड़ हिलाने की जरूरत है। कब से बोले जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। नहीं होता ठीक है, हर बार गड़बड़ आप करें और उसे सुधारो मैं। लिसन, आप मुझे फाइल दीजिए, मैं चेक करती हूँ। या क्या हुआ? चलो नाश्ता रेडी है। ठीक है मम्मा। पापा, मम्मा, मुझे आप लोगों से एक परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? मम्मा, कॉलेज की तरफ से साइंस फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है और मैं ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मिता, तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना? लेकिन मम्मा, उसकी ना फीस है। कितनी? 7,000। नहीं नहीं, इस बार बजट बहुत टाइट है, इस बार रहने दो। पापा, इन सब के नंबर मेरी प्रैक्टिकल में जुड़ेंगे ना। तुम्हें बोला ना। देखो,
पहले जब ये पढ़ाई नहीं करना चाहता था तो हम इसे पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, और अब जब ये मन लगाकर पढ़ाई करना चाहता है तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। बेटा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। सच? थैंक यू मम्मा। मम्मा क्या आप अमित की फीस भी भर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं अमित की फीस भी दे दूंगी। थैंक यू आंटी। अरे अमित रुको, ये लो ये तुम्हारे पैसे, ये अमित के पैसे। थैंक यू सो मच मम्मा। अरे एक मिनट रुको, ये क्या? सॉरी मम्मा। बाय। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और तरक्की करना। ठीक है मम्मा, बाय। जाओ संभाल के जाओ। पैसे मिले और नहीं तो क्या, ये देख। तो अब क्या करना है? अब करना है इंतजार। वैसे सजल आज कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होना है। कह रहे ना तू पढ़ाई वढ़ाई की बातें ना मुझसे मत किया कर, पढ़ाई का नाम सुनते ना सटक जाता हूँ मैं। अरे छोड़ना यार, तू भी ना एक नंबर का ड्रामा। चल चल। वो देख वो देख वो देख। और ये मम्मा गई ऑफिस, और अंकल पापा तो काफी सुबह चले गए थे। सही चलते चल। अरे मैंने उसे कल रात को ही फोन कर दिया। क्या बात कर रहा है, सच? हाँ अभी किसी भी वक्त आती होगी। चल बैठते हैं तब तक। हेलो बॉय। हाय। तुम से पहले कौन? मैं जाता हूँ। क्यों? ये घर मेरा है तो मेरा नंबर पहले आना चाहिए। पर कॉल करके तो मैंने पहले बुलाया ना। पैसे तो मेरे पास है ना, और अगर तुम इसके साथ गए ना मैं तुमको फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। सॉरी। कुछ पीने को मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। अभी तक तू एक काम कर, जब तक हम लोग अंदर है तू ड्रिंक्स लेकर आ ले। जा जा जा। Thank you.
सुनो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इन सब चीजों में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। अच्छा, ज़रीना मर्दों की आंखों में देखकर ये बता देती है कि उसके जेब में कितने पैसे हैं और कलेजे में कितने हिम्मत। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? यही कि तुम लंबे रेस के घोड़े हो पर थोड़े कच्चे हो। But don't worry, मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगी। सुनो, तुम मुझे अच्छी लगी। सच? हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अगर तुम मुझे महीने का 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, और फिर तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें अपना बनाने के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। सच्ची? फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मेरी बारी। अबे रुक 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 रुक, जल्दी भी क्या है, ड्रिंक्स कर लेते हैं ना। कौन सा रीना? थोड़ा सुरूर होने पर सरीना का नशा थोड़ा चढ़ कर बोलता है। क्यों नहीं, चल। Yes. सुनो, देखते हैं सबसे पहले कौन खत्म करता है। चलो हो जाए हो जाए। हाय आरामित यार, मान गए तुझे तो। क्यों डरी ना? एक और हो जाए। क्यों नहीं? वेरी ना, मेरे साथ चलना। एक बार चल ले, चलना। जरीना, ये कौन आ गया यार? तुम एक काम करो, तुम यहां से अभी जाओ। ये लो तुम्हारे पैसे। एक काम करो, इसको ना तो कहीं छोड़ देना, ठीक है? आओ चलो।
टाइम कैसे लग गया दरवाजा खोलने में? तुम घर पे क्या कर रहे हो? हमारे कॉलेज में तो साइंस का फेयर चल रहा है ना। हाँ बाबा, वो क्या है ना, साइंस फेयर ना अब पोस्टपोन हो गया। वो क्या ना, अगले हफ्ते होगा अब। अच्छा पापा, लेकिन आप कैसे जल्दी आ गए आज? वो मेरे थोड़ा सिर में दर्द है, जाओ जाके पानी लेके आओ मेरे। जी हाँ। पापा पापा, वो पता नहीं आपके कमरे का टीवी पता नहीं क्यों खराब हो गया। क्या हुआ उसमें? पता नहीं कुछ लाइन जैसा कुछ चल रहा है। अच्छा, अभी 4 महीने तो हुए नहीं हुए। चलो आओ चल के देखते हैं। ठीक है। नीचे पापा। टीवी तो ठीक चल रहा है? लगता है ठीक हो गया होगा। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। हाँ लगता है पापा कोई आया, मैं देखता हूँ है ना। पापा मम्मा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मम्मा, मुझे ना कंप्यूटर कोडिंग क्लास ज्वाइन करनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा कोडिंग में आगे लाइफ में बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन मम्मा कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? मम्मा मुझे ना नया लैपटॉप चाहिए। वो पुराने वाला लैपटॉप ना खराब हो गया है, अटक अटक के चलता है, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ उस पर। नहीं नहीं, नया लैपटॉप तो मुमकिन नहीं है, अभी मुमकिन नहीं है। मम्मा कम से कम आप तो समझो। हाँ बेटा, इस बात तो मैं भी तुम्हारे पापा के साथ हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। इस समय नया लैपटॉप नहीं हो सकता बेटा। मम्मा जब मैं पढ़ता नहीं था तब तो आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आप लोग मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। बेटा खाना तो खा के जाओ, सचिन ऐसे नहीं जाते। देखिए आप प्लीज कोशिश करिए ना कुछ पैसों की जुगाड़ करने। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है और मैं पाई पाई को मोहताज हो गया। ऐसा समय नहीं आएगा दोबारा सजिल के लिए, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा एक बात बताओ, जिनके पास कंप्यूटर नहीं होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? अमित को देखो, उसके पास कंप्यूटर नहीं है और वो कॉलेज में टॉप करता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे को किसी और के साथ कंपेयर मत करिए। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं कोई कंप्यूटर नहीं दिलाने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद मैनेज करके अपने बेटे के लिए कंप्यूटर अरेंज करूंगी, लोन ले लूंगी मैं। ठीक है ए, चलना मेरे साथ, चलना चलना मेरे साथ। हो गया? अभी तो सच में याद नहीं, उस दिन ना तो पीने के बाद ना जरीना के देखकर तेरे मुंह से लाल टपक रही थी। तुझे बताऊं वो तुझे देखकर डरी गई थी यार। बस हो गया है, अब चलते। हेलो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था मैं। अच्छा फिर तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम मुझे भुला ही नहीं पाए। क्या बताऊँ, सच में तुम्हारे साथ वो बिताए पल ना मुझे एक एक अच्छे से याद है। अच्छा तो बताओ हम दोबारा कब मिल रहे हैं? आज मिलते हैं। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। यार अमित, मैं सोच रहा हूँ इस सरीना के साथ ना परमानेंट अकाउंट खोल लेता हूँ। भाई सुजल, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? यार अमित देख, मैं ना अपनी जिंदगी ना खुल के जीना चाहता हूँ, और तू चिंता मत कर, सरीना के साथ मेरा रहेगा ना मैं तेरा भी नंबर कभी ना कभी लगवा दूंगा। ठीक है। सरप्राइज। थैंक यू मम्मा। बेटा खूब मन लगा कर पढ़ाई करना, तुम्हारे पापा को और मुझे तो बहुत उम्मीद है। पापा। हाँ आ रही।
रही हूँ। सॉरी मम्मा, पढ़ाई ही तो है जो मुझसे नहीं होती है। फैजल का फोन। हेलो। हाँ अमित यार, मुझे तेरी ना मदद चाहिए यार। कैसी मदद? यार मेरी मम्मी ने ना नया लैपटॉप दिया है, वो लैपटॉप मुझे बेचना है यार। सजल यार मेरी बात सुन, ये मत कर। तेरे अंदर का आज ये महात्मा कैसे जाग गया? अभी तक तो तू मेरे पैसों पे ऐश करता है, आज तुझे क्या हो गया? ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? देख मेरे घर के पास एक कंप्यूटर वाला है जो कंप्यूटर का काम करता है, उसका नंबर भेजता हूँ ना तुझे। ठीक है। For you. तुम्हारा ड्रिंक का है? तुम हो ना? घर नजदीक आ गया है। चल बेटा सेजल, मजे से तूने ले लिए हैं, सजा लेने की बारी है। तभी बाइक से दो लोग आए और उन्होंने मुझसे मारपीट शुरू कर दी, लैपटॉप भी लेके चले गए। नहीं नहीं बेटा, रो मत, मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, जल्दी आइए। ये देखिए सचिन को क्या हो गया। बेटा बताओ पापा को क्या हुआ? पापा पापा मैं कॉलेज से घर आ रहा था तभी। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? हाँ क्या मतलब है इसका? ये लूट, ये मारपीट, इसकी मनगढ़ंत कहानियां है। इसने लैपटॉप बेच दिया है। ये आप क्या बोल रहे हो? जिस दिन इसने मुझसे माफी मांगी थी ना, मुझे इस पे यकीन ही नहीं हुआ था। और जब इसने मुझसे कंप्यूटर मांगा ना, उस दिन से मैंने इस पे नजर रखनी चालू करी और उस दिन पता चला कि इसने लैपटॉप बेच दिया है। बेटा
बताए कितनी मुश्किलों से जी रहे थे, लेकिन हमने उसकी आज तक तो हम तक पहुंचने नहीं दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई बिकता हो। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं करनी है। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए होंगे जब तुम मेरी कोख से पैदा हुए। बस मम्मी बस, आप लोग जितना मुझसे परेशान हो ना उतना ही मैं आप लोगों से परेशान हूँ। इस घर में ना, इस घर में मेरा दम घुटता है। मेरा घर में दम घुटता है ना, चल आ, मैं तुझे आजादी देता हूँ। जा, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। हाँ जाओ। समझ नहीं आ रहा यार, पापा को लैपटॉप के बारे में किसने बता दिया यार? वो सब पता चल जाएगा, मैं पता करके बताता हूँ तेरे पापा से तेरे बारे में चुगली किसने की। जागते रहो, काफी रात हो गई है, तू एक काम कर, आज रात मेरे घर ही रुक जा। नहीं यार, तेरे घर के पास ना बड़ा गंदा नाला है यार, मुझसे उसकी ना बदबू बर्दाश्त नहीं होती यार। सॉरी यार अमित, मैं मेरा मकसद तुझे हर्ट करने का नहीं था यार, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बता, तेरी पढ़ाई से इतनी क्या दुश्मनी है कि अपनों से दूर होना मंजूर है पर पढ़ाई करना मंजूर नहीं है? यार जितना मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई के बारे में बोलते रहते हैं ना, उतना ही मुझे पढ़ाई से दूर जाने का मन करता है। सजल कहाँ हो तुम बेटा? सजल, 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 बेटा घर चलो, कितनी रात हो गई, उठो, चलो उठो। आपके पति ने मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाला है। तो तुमने काम भी तो ऐसा ही किया है ना, चलो उठो अभी। मम्मा, जब से मैंने अपना होश संभाला है ना, तब से मैं सिर्फ आप लोगों के ताने सुन रहा हूँ, और अब ना मुझसे आप लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। सजल यहाँ देखो, देखो बेटा तुम्हें मेरी कसम है, अब चलो उठो। सजल आंटी को और परेशान मत कर, बहुत रात हो गई है। ठीक है, आप कसम दे रही है तो चलता हूँ। ठीक है उठो, तुम भी घर चले जाओ अपने। हाँ आंटी। आओ। रुको, नहीं आबा, मैं अब और चुप नहीं रह सकता हूँ। ये घर मेरे खून पसीने की कमाई का आया, मैं यहाँ पे मुफ्त छोरों को नहीं रख सकता। मैं भी इस घर में फ्री में नहीं रहूंगा। बताइए इस घर का किराया कितना दूं? मैं जो चाहता हूँ ना वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो कुछ भी कर सकता। बताइए तुम्हें क्या चाहिए? सचिन ये किस तरह से बात कर रहे हो? तो अब एक काम करो, तुम कॉलेज का फर्स्ट ईयर पहले पास करके दिखाओ, फिर तुम पढ़ाई छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं इस बार एग्जाम में पास होकर दिखाऊंगा। अबे भाई मैं तेरे को ही फोन कर रहा था, क्या लंबी उम्र है तेरी यार। सुनना यार अमित। क्या बोलना यार अमित, तू किसी ऐसे इंसान को जानता है जो क्वेश्चन पेपर लीक करता हो? मैं पढ़ा तो रहा हूँ तुझे, वैसे
एक को जानता तो यार, ये मुझे सब समझ में नहीं आ रहा यार। तो भाई नहीं यार, उससे बात कर ले यार प्लीज। तू श्योर है? हाँ भाई श्योर हूँ मैं। ठीक है। हेलो। हाँ बाबू भैया, मैं अमित बोल रहा हूँ जेजे कॉलेज से। हाँ बोलो। वो मेरे एक फ्रेंड को आपकी सर्विस चाहिए थी। ठीक है, आज शाम 4 बजे बैक रोड पे आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक। आज शाम को बैक रोड में बुलाया उन्होंने। तू एक काम कर, तैयार हो, कपड़े उपड़े चेंज कर, मैं मिलता हूँ तुझे। क्या बंदा यार अमित तू यार भाई। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है। हाँ यार थैंक यू भाई यार। बाबू भाई, ये मेरा दोस्त है सजल, इसको एग्जाम के पेपर चाहिए थे। हो जाएगा। मुझे 50% एडवांस चाहिए और अगला 50 एग्जाम के दिन। ठीक है, तुम अपना दाम बताओ। 75,000। 75,000? ये बहुत ज्यादा है बाबू भाई। अपना फिक्स प्राइस है, लेना है तो लो वरना। मंजूर है। एडवांस कब दे रहे हो? देता हूँ 1-2 दिन में। ठीक है। तू पागल हो गया? इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा? मेरा बाप भले ही हर वक्त पैसे का रोना रोता रहता है, लेकिन उसकी तिजोरी में बहुत माल है। लगता है उस माल पे हाथ साफ करना पड़ेगा। चल। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा, पापा पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पापा, पापा पापा पापा।
मुझे पता है इस लड़के को कैसे धुलाना है। हेलो पुलिस, पुलिस पुलिस को फोन करने नहीं दूंगी मैं आपको। अरे तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है। नहीं, पुलिस को फोन मत करिए। छोड़ो मेरा हाथ आबा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको पुलिस यहाँ नहीं बुलाने दूंगी, रुक जाइए। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। हेलो, मेरे घर में चोर आ गया है, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है, आप जल्दी से आइए। एक बार फिर से सोच लीजिए, वो आपका बेटा है। सोच लिया, आप आगे बढ़िए, आइए। चलिए, ये देखिए। अपने घर में चोरी कर रहे थे? नहीं नहीं सर, सर सर ये मैंने चोरी अपने लिए नहीं की थी सर। तो किसके लिए की थी? इनके लिए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर सर मेरे पापा मुझे फंसाना चाहते हैं सर। सारी बकवास। एक मिनट रुकिए, जो बोलना है खुल के बोलो। सर दरअसल सर पापा के बिजनेस में लॉस चल रहा था सर। पापा ने ही मुझसे कहा घर का जितना भी कीमती सामान है तू चोरी करके भाग जा, मैं तेरा कहीं छुपने का इंतजाम करवा दूंगा। और वो कोर्ट में जाकर अपने आप को कंगाल साबित करते जिससे उनका लेनदारों का कर्जा उनको नहीं देना पड़ता। और सर पापा के बहुत सारे दो नंबर काम मुझसे करवाते हैं सर। की बार मैंने इनके काम करने से मना कर दिया ना सर, तो गुस्से में आग बबूला हुए और आखिरकार उन्होंने आपको बुला ही लिया सर। सर इसकी अनाप शराब बातों पर विश्वास मत कीजिए। आप दोनों एक दूसरे पे संगीन इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आप दोनों में से किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है क्या? हाँ मेरे पास है। सबूत नहीं गवाह है। कौन है? मैं अभी बुलाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये है मेरा गवाह। सजल का दोस्त अमित, ये बहुत दिन से अलग बर्ताव कर रहा है। मैंने इस पर नजर रखनी शुरू करी और अमित से बात भी की, और कुछ दिन पहले ही उसने मुझे बताया कि इसने अपना नया लैपटॉप बेच दिया है। और आज ही मुझे पता चला है ये घर में चोरी भी करने वाला था। सर सर ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर जरूर पापा ने ही अमित को पैसे दिए होंगे सब बोलने के लिए, अमित तो है ही भिखारी कहीं का। किधर है? अरेस्ट करो इसे। हमें इसे जो सबक सिखाना था वो हमने सिखा दिया, इसे एक और मौका दे दो प्लीज। चलिए जी, आपकी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है, एक बार इसका नाम अगर थाने के रजिस्टर पे चढ़ गया ना तो फिर इसके किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा और इसका करियर बिल्कुल चौपट हो जाएगा। आखिरी फैसला आपका है। इसे जाने दो, एक और मौका दे दो। चलो ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। ठीक, आगे से ख्याल रखिए इसका।
रास्ता छोड़ो, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी हर बेइज्जती का बदला लेना था। और वैसे भी तू सिर्फ नाम का दोस्त है सजल, तूने मुझे बेइज्जत करने के सिवा कभी कुछ किया नहीं। तू एक काम कर, जब तक हम लोग अंदर हैं तू ड्रिंक्स लेकर आ ले, जा। अबे रुक 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 रुक, जल्दी भी क्या है, ड्रिंक्स कर लेते हैं ना। कौन सा जरीना? उस दिन ना तो पीने के बाद ना जरीना के देखकर तेरे मुंह से लाल टपक रही थी। जरीना के साथ मेरा रहेगा ना, मैं तेरा भी नंबर कभी ना कभी लगवा दूंगा। तेरे घर के पास ना बड़ा गंदा नाला है यार, मुझसे उसकी ना बदबू बर्दाश्त नहीं होती यार। इसलिए जब पापा ने तेरी मदद मांगी मुझसे, मैं फौरन तैयार हूँ। और मैंने गलत क्या किया? मैंने तुझसे सच बोला। तूने अपनी दोस्ती का कर्ज निभाया ना, अब मेरी बारी है। हेलो, हाँ पुलिस, मैं रेलवे कॉलोनी के पीछे वाले रोड से बोल रहा हूँ। मैंने खून किया है। सजल, क्यों किया ये खून तुमने? आप जानना चाहते हैं ना मैंने ये खून क्यों किया? तो सुनिए, मैंने ये खून इसलिए किया ताकि मुझे कोई आगे से पढ़ने के लिए ना कहे। कल रात जो आपने बोला था ना, मैंने वो सुन लिया था। अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, इसलिए मैंने ये खून किया ताकि आप लोग मुझे कभी पढ़ने के लिए मजबूर ना कर सकें। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने ही दोस्त की जान ले ली। अरे बेवकूफ, पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को इंसान बनाती है। काश तुमने पढ़ाई को बोझ नहीं समझा होता और खुद को सुधारने का एक जरिया समझा, तो आज तुम इस तरह से जानवर नहीं बनते। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जो इंसान पढ़ाई की कदर नहीं करता वो जिंदगी भर पछताता है। इंस्पेक्टर साहब, दूर ले जाइए इसे मेरी नजरों से। आज के बाद मैं ऐसा समझूंगी कि मेरा बेटा मर गया था। Ha 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 ha!